फटाफट से इनसे बात करते हैं। हेलो बॉस, आप मुझे क्या करना है? स्मैश अप द प्रिंसिपल्स कार विद बेसबॉल बैट। भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मुझे प्रिंसिपल की कार पे बेसबॉल बैट मारने। खैर ठीक है, अपने बॉस ने कहा है तो हमें करनी पड़ेगी। वैसे मुसीबत में आ जाऊंगा तो मुझे बचाने नहीं वाला है, मुझे अच्छे से मालूम है। लास्ट टाइम भी ऐसे इग्नोर मार रहा जैसे मैं हुई नहीं सामने। हाँ तो ये बड़ा बेसबॉल बैट फटाफट से इसे उठाते हैं और जल्दी से भी प्रिंसिपल की कार कहाँ पे पार्किंग में, लेट्स गो। पार्किंग सामने है, बेसबॉल बैट एक बार निकाल के ना इसको टेस्ट रन कर लेते हैं, एक बार चेक करें। एक मिनट रुक जाए, ओ भाई बढ़िया 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 काम कर रहा है, एकदम यही चीज चाहिए थी। अभी अभी भाई मैं उसकी कार तोड़ने जा रहा हूँ। ये खड़ी प्रिंसिपल की कार कौन सी, ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर? ये तो ऑल्टो है। मैं इतनी तगड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहा हूँ एक बढ़िया प्रिंसिपल है इतने बड़े स्कूल का, पर गाड़ी नॉर्मल सी है। बट ठीक है, क्या पता उसको ये अच्छी लगती हो। जो भी हो, अभी मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, बहुत बुरे वाला। फुट फुट अबे स्क्रैच तक नहीं आ रहा। ओ वेट, अभी तो स्क्रैच भी नहीं आ रहा। ये क्या, अबे अबे बस बस भाई भाई हेलो, कैरम बोर्ड की गिट्टी है, इंसान है भाई साहब, अगले भाई मोहल्ले में आके गिरा ये। गाइस अपने अंदर कुछ तो स्पेशल पावर है, मुझे अपने अंदर के हीरो को पहचानना होगा। हम लोग स्पाइडरमैन सुपरमैन तो नहीं है, बट उससे भी बढ़कर है। दो मंजिल गिरने के बाद देख रहे हो चोट कितनी आ गई है। अभी तक ये छोटे बच्चों की तरह भाग रहा था, बट डोन की तरह चल रहा है। खैर छोड़ना, ऐसे चलता हुआ बेकार लग रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अभी फटाफट से भाग के वापस चलते हैं बैड गाइस के पास। मेरे प्रिय बॉस, मैंने आपके कहने पे प्रिंसिपल की कार को उड़ा दिया है, अब मुझे आगे क्या करना होगा जल्दी से बताओ। बाकी मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ अब ये बताएगा मैं आगे हमें आगे क्या करना है। स्टार्ट एंड विन अ फाइट इन द कैफेटेरिया। ओके, कैफेटेरिया में जाके बस एक फाइट करने, इतना आसान काम यार। ये सब मत मुझसे करवाया करो। खैर जाने से पहले ना मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे ड्रिंक्स पी लेता हूँ ताकि हेल्थफुल हो जाए। पता चला फाइट में कोई डेंजरस बंदा और अपनी पिटाई पड़ जाए वहाँ पे। बाकी जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं। मैंने यहाँ पर अपने चैनल के लिए एक नया लोगो सोच रहा था, मैंने हल्का सा टी बनाया, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे को बच्चों को परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसको मैं अंदर आ चुका हूँ। ये शेफ है भाई, ये मार तो अभी बहुत है, इससे पंगे नहीं लेने, चुपचाप से एक बच्चे को पिटना है। अरे तेरे पे तो टेस्ट हुआ था ना, तू दोबारा फंस गया तेरी। ओ भैंस के स्प्रिंग है क्या, वहां से भिड़ के वापस आके मेरे को मार रहा है, वापस मारेगा है तेरी, ऐसे की तैसे गया। उठ उठ, ओ भाई ये भी अमीर घर से था, लेट्स गो, पैसा ही पैसा। ऑलराइट गाइस, तो उस दिन हम लोग बच्चों को पीट के चले गए थे, घर पे छुट्टी हो गई थी और अभी अगला दिन है, हम लोग वापस आ गए हैं। और अपना नेक्स्ट मिशन है ब्लो अप अ फायर क्रैकर एट द प्रिंसिपल, एट द प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल ऑफिस और कार, प्रिंसिपल पे ही। वो रहा भाई सामने अपना टारगेट, फायर क्रैकर कहाँ से आएगा मेरे पे, है मेरे पे फायर क्रैकर है नहीं, तो फायर क्रैकर मुझे लेने जाना होगा क्या? ठीक है मैं फायर क्रैकर लेने जाता हूँ पहले। अगर ये मिशन फेल हुआ ना पक्का स्कूल से ही नाम कटेगा, और प्रिंसिपल के ऊपर फायर क्रैकर मारने के लिए मैं प्रिंसिपल की गाड़ी में ही फायर क्रैकर खरीदने जा रहा हूँ। वाह कितना अलग ही हिसाब है। हाँ जहाँ तक मुझे याद है राइट साइड में एक शॉप है जहाँ से मुझे ये सब मिल जाना चाहिए, और मैं बिल्कुल सही था, मुझे रास्ते याद भी नहीं फिर भी एकदम सही हूँ। फटाफट से अपनी गाड़ी में यहाँ पर लाके खड़ी करता हूँ, बाहर चलते हैं। हेलो अंकल जी, फायर क्रैकर दे दो भाई मेरे को, दो तीन पैकेट दो दे देना भाई। तो गाइस अभी ना मैंने बहुत सारी फालतू की चीज़ें खरीद ली है और मैं इससे बहुत शैतानी करने वाला हूँ स्कूल में। गाड़ी घुमाते हैं, स्कूल में लेके चलते हैं। ये जो आप ग्राउंड देख पा रहे हो ना, इधर बड़े बच्चे होते हैं तुम्हारी ऐसे की तैसे, लोग सब पे गाड़ी चढ़ाओ, सब पे चढ़ा दूंगा भाई भाई भाई। ये तो भाई फुटबॉल बन गए। एक सेकंड इधर आई, ये देख रहा है एक क्यों मारी ये भाई, सही में कैरम बोर्ड की गिट्टियां हैं भाई सही में। ओ लेट्स गो लेट्स गो, ओए प्रिंसिपल कहाँ पर है, लेट्स गो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चलेंगे एंड प्रिंसिपल सर को पीटने वाले हैं, मतलब फायर क्रैकर। मैं ये मैंने नहीं करा, मैंने गाड़ी रोक दी थी भाई, गाड़ी वालों की गलती है, उन्होंने मतलब ऑटो हैंड ब्रेक नहीं लगाया इसमें सिस्टम। बाकी मुझे यहाँ से ऊपर चलना चाहिए, लेट्स गो प्रिंसिपल मैं आ रहा हूँ तुमको मारने के लिए। जो फायर क्रैकर पहले निकाल लूँ, यही है ना फायर क्रैकर, ठीक है। तो ये मुझे प्रिंसिपल के ऊपर मारना है। फिर सर कोई तो आ रहा पीछे, प्रिंसिपल सर ये लो। अरे भाई मिशन क्यों नहीं हुआ, ओ तेरी, सर 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 नाम मत काटना यार, मैं जा रहा हूँ भाई, सीधा मेरा नाम ही कटेगा स्कूल से। अरे भैया पीछे पड़ गया, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट, ओ वेट पूरा स्कूल मेरे पीछे पड़ गया इस टाइम पे। ओके गाइस, तो अभी ना मैं दोबारा से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ चुका हूँ, अंदर छुप के बैठ जाता हूँ, जैसे ये बाहर आएगा वैसे इसको टपका दूंगा। वैसे छोड़ो इतना भी डरने वाली बात नहीं है, फायर क्रैकर निकाला और ये डाल दिया। ओह मिशन कंप्लीट, बट हम भी गिर गए। ओके वैसे अभी ना हमें मिशन कंप्लीट करने से मतलब है अवॉइड गेटिंग कॉच बाय एडल्ट्स। वेट यहाँ पे जो बड़े स्कूल के बड़े बच्चे हैं
अभी शायद से उनको ऑर्डर दे दिया गया कि मुझे पकड़ के पीटना है। बड़े बच्चों में से तो ये भी आता है, इसने मुझे कुछ नहीं कहा है। एक तो मैंने हॉर्स पता नहीं क्यों स्कूल में लाके खड़ा कर दिया है। हेलो बॉस, अभी मुझे क्या करना है, जल्दी से मिशन आसान मिशन बताना, तुम पिटाई करवा रहे हो। ओके, तो अपना नेक्स्ट मिशन है टेक अ गर्नी इनटू द लेक। अबे ये कैसा मिशन है, हमें एक पेशेंट बेड को लेके जाना है एक लेक के अंदर। ये थोड़ा ज़्यादा अजीब सा नहीं हो रहा? इस जगह पे शायद से मुझे एक बेड मिल जाएगा, इसके ऊपर एक प्यारा सा स्टूडेंट लेटा हुआ है। बट सॉरी ब्रो, अभी मुझे तुझे लेके जाना पड़ेगा। वेट भाई, ओए ये क्या तेरी ऐसी की तैसी, तू भिड़ के वापस कैसे आ, चला जा क्लास में, बहुत भिड़े। लेट्स गो, फटाफट से गाइस इसको लेके चलते हैं एक लेक के पास। मुझे पता नहीं है लेक कहाँ पर है, बट मेरे को इसे खाली पीली क्यों डराना है यार। शायद से लेक इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मैं एक दो बारी पहले भी गया था, और शायद से लेक में शार्क भी होती है, मुझे अच्छे से याद नहीं बट हाँ शायद से होती है। लेट्स गो भाई, मेरी गलती नहीं है, ये सारे बैड गाइस करवा रहे हैं और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। लेट्स गो, उतरी, रुक जाओ, इसको हवा में उठा के चल रहा हूँ मैं एकदम फुल बाहुबली। ओ लेट्स गो, ले भाई हो गया मिशन। और अबे शार्क आ रही है, भागो भागो भागो, ये लेक नहीं था क्या, मैं इसे गलत जगह ले आया भाई, मैं पूरे से ओशन में ले आया। ओके गाइस, तो ये थी लेक, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। ले भाई तेरे को करा दी यहाँ पे एकदम मस्त वाली डुबकी। ओके तो फटाफट से इसको फेंक देता हूँ मैं इसी के अंदर। लेट्स गो, मिशन कम्प्लीटेड भाई, अलग ही मस्ती करवा रहे यार बैड गाइस। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस वीडियो में उज्जवल भाई दोबारा से खेल रहा है बैड गाइस एट स्कूल। इस गेम में उज्जवल भाई एक बहुत ही बड़ी स्कूल के स्टूडेंट है, बट उज्जवल भाई ने बैड गैंग ज्वाइन कर रखा है अपने स्कूल में। ओके टू गेम स्टार्ट हो चुका है और 20 दिन की छुट्टी के बाद उज्जवल भाई वापस स्कूल में आ चुका है। बैड गैंग उज्जवल भाई को कुछ ना कुछ मिशन देती है और उज्जवल भाई को वो मिशन करना होता है, क्योंकि वो बैड गैंग की सीनियर है तो उज्जवल भाई को बात माननी ही पड़ती है। और सीनियर उज्जवल भाई को एक मिशन देता है कि यूज द फायर एक्सटिंग्विशर ऑन 5 स्टूडेंट्स। और उज्जवल भाई स्कूल के अंदर आ जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर लेके एक बच्चे के ऊपर चलाने वाला था। इतने में ही टीचर आ जाता है और टीचर उज्जवल भाई के पीछे पड़ जाता है और उज्जवल भाई टीचर से बच के भाग जाता है। टीचर भी उज्जवल भाई का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और उज्जवल भाई स्कूल से बाहर निकल जाता है और उज्जवल भाई टीचर से पकड़ा जाता है। दोबारा ट्राई करता है और उज्जवल भाई दोबारा से फायर एक्सटिंग्विशर उठा के बच्चे के ऊपर चला देता है, पूरा धुआं कर देता है स्कूल के अंदर। और उज्जवल भाई स्कूल से बाहर आके बाहर भी बच्चों के ऊपर चला के बच्चों को परेशान कर देता है और उन बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तीनों मिलकर उज्जवल भाई को मारने लग जाता है। कुछ देर तक मारपीट करने के बाद उज्जवल भाई तीनों को ही लपेट देता है और उज्जवल भाई दोबारा से गैंग लीडर के पास आ जाता है नया मिशन के लिए। और सीनियर उज्जवल भाई को नया मिशन देता है, नया मिशन ये है कि थ्रो पेपर एयरप्लेन इनटू द गर्ल्स डॉर्म। और उज्जवल भाई स्कूल के अंदर आ जाता है और उज्जवल भाई मस्त कोल्ड ड्रिंक पी के पेपर ढूंढने में लग जाता है। कुछ देर तक इधर उधर ढूंढाडांडी करने के बाद उज्जवल भाई क्लासरूम में आ जाता है और क्लासरूम में से उज्जवल भाई को वो पेपर मिल चुका है और पेपर बन चुका है एयरप्लेन। और उज्जवल भाई पेपर एयरप्लेन को लेकर बाहर निकल जाता है और उज्जवल भाई पेपर एयरप्लेन को गर्ल्स डॉर्म में फेंक देता है और मिशन कंप्लीट। और उज्जवल भाई मजे मजे में एक दूसरा पेपर एयरप्लेन में सब्सक्राइब टू टेक्नो गेमर्स लिख के टीचर के ऊपर फेंक देता है। सब्सक्राइब से याद आया, अगर आप भी मेरी तरह उज्जवल भाई के सच्चे वाले फैन हो तो इस चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ओके टू उज्जवल भाई वापस आ चुका है बैड गाइस के पास नया मिशन के लिए। ओके टू उज्जवल भाई को एक न्यू मिशन मिल चुका है, स्मैश अप द प्रिंसिपल्स कार विद बेसबॉल बैट, यानी उज्जवल भाई को प्रिंसिपल के कार में बेसबॉल बैट मारना है। और उज्जवल भाई स्कूल के अंदर आ जाता है और बास्केटबॉल स्टेडियम में से उज्जवल भाई को बेसबॉल बैट मिल चुका है। और उज्जवल भाई बेसबॉल बैट लेके कार पार्किंग की तरफ जा रहा था तभी उज्जवल भाई एक बंदे के ऊपर बेसबॉल बैट को टेस्ट करता है कि ये जो बेसबॉल है ये कितना ज्यादा दमदार है। और उज्जवल भाई बाहर पार्किंग पे आ जाता है और बेसबॉल बैट से प्रिंसिपल का कार तोड़ने में लग जाता है। बेसबॉल बैट मार मार के गाड़ी को ही ब्लास्ट कर देता है और उज्जवल भाई रॉकेट की तरह उड़ जाता है और उड़ के बहुत दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद जो हुआ और उज्जवल भाई और भी डिफिकल्ट मिशन को कैसे कंप्लीट करते हैं वो तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुका है। अगर आप फुल गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल गेम प्ले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह उज्जवल भाई के टकराव वाला फैन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए।